दोस्तों आप कैसे हो, हाई हो, पाप ठीक ही होंगे। देखिए IPL आ चुका है जो कि फुल प्राइज 28 करोड़ का है। IPL टाटा IPL आ चुका है। IPL खेलना आप चाहते हैं, आप खेलने का तो इच्छा हर किसी को मन में रहता है। IPL पहले जो आता था 49 रुपया में, अभी कंपनी ने ड्रीम 11 कंपनी ने 50% के छूट दिए हैं। देखिए जो कंटेंट आप 49 रुपया में ज्वाइन करते थे, लेकिन वो कंटेंट 2400 रुपया में अब ज्वाइन हो रहे हैं। इसीलिए अगर आप IPL खेलना ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने कहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना ज़रूरी है। जब ये गंगा बह रहा है, जो एक टीम के बदला दो टीम आप लगा सकते हैं, समझिए एक तरह से बहती गंगा हुआ, उसमें हाथ धोने का कोशिश ज़रूर करिए। अगर जो ग्रैंड लीग नहीं खेलते हैं तो वो ज़रूर आजमाएं। हो सकता है यह बहती गंगा में आपका किस्मत खोलने वाला है। कब आपका किस्मत खोलने वाला है ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आपका किस्मत खुलने वाला है। देखिए उससे पहले हम बता देते हैं, जब आप ग्रैंड लीग खेलते हो, तो आप खेलने वक्त सही से एनालाइज नहीं करते हो, सही से टीम नहीं बनाते हो। आप ग्रैंड लीग खेलना कोई मामूली सी रकम नहीं हुआ है मेरे दोस्तों। जब पहले आप ग्रैंड लीग खेलते थे तो 1 करोड़ का अमाउंट मिलता था, अब आपका ये 1.5 करोड़ कर दिए हैं। देखिए राशि भी आपको बढ़ा दिए हैं कंपनी ने, और रुपया भी घटा दिए हैं। तो इस तरह से न्यू यूजर के लिए एक खुशी की माहौल हो गया, जो कि खुशी है। अब बहुत सारे लोग के मन में सवाल उत्पन्न होता है, भाई ग्रैंड लीग खाली फ्लॉप से है। देखिए मेरे दोस्तों, ग्रैंड लीग फ्लॉप से नहीं है, ग्रैंड लीग लियल है। जो मैंने अभी तक, मैं अपना बात करता हूँ, मैंने जो ग्रैंड लीग खेले हैं, मैंने मात्र ग्रैंड लीग में 10वां स्थान प्राप्त किए हैं, जो कि 50,000 का अमाउंट था। लेकिन मेरा कोशिश है कि मैं भी ग्रैंड लीग जीत कर ही छोड़ूंगा, मैंने हार गया हूँ। इसीलिए देखिए पहला आपको फ़ायदा क्या हो रहा है ड्री 11 से, जो कि आप 49 रुपये लगाते थे तो 1 करोड़ रुपया मिलता था, लेकिन अब आपको उसे घटा कर दे रहा है, आपको घटा कर 24 रुपया में 1.5 करोड़ रुपया मिल रहा है। अब बहुत लोग भाई साहब के मन में सवाल उत्पन्न होता है, भाई जब इतना कर लिए हैं तो क्या इसको जीतने का चांस पहले थोड़ा कम नहीं जीत पाते? पहले जब मैं जीत नहीं पाता तो मैं अभी कहाँ से ये जीत पाऊँगा, क्योंकि इसका राशि 1.5 गुना बढ़ा दिया है। देखिए मेरे दोस्तों, 1.5 गुना बढ़ाया है, 1.5 गुना अगर बढ़ाया तो कंपनी ने भी बहुत अधिक कमाया, कमाते हैं। देखिए जब आप आप जैसे लोगों से ही कंपनियां कमाती है, मेरे रुपया से ही वो बहुत बड़ा रुपया अमाउंट कमाता है, जो कि उन्हीं अमाउंट के लिए खेलने के लिए आपको कभी काल ऑफर देते हैं, कि ताकि आप ड्री 11 खेल सके, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ये सब देखिए। और मैं बता देता हूँ, ड्री 11 में आपको ये जब टीम खेलते हो, ड्री 11 में जब टीम बनाते हो, जल्दीबाजी में मेरे दोस्तों टीम नहीं बनाइए। देखिए अगर ये IPL मैच है, चेन्नई सुपर किंग का जो मैच चालू हो रहा है कोलकाता वर्सेस, उसको बहुत अच्छे से, बहुत अस्थिर दिमाग से एनालाइज कीजिए, बहुत अच्छा अगला पिछला रिकॉर्ड देखिए, इन कलकत्ता के वर्सेस चेन्नई सुपर किंग क्या परफॉर्म है, क्या प्रदर्शन किया है, उन सबको बहुत अच्छा से यानी मेहनत कीजिए भाई, जल्दीबाजी में टीम नहीं बनाइए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है टीम बनाने को, तो किसी यूट्यूबर को वीडियो जाकर देखिए, और उसे पूरा वीडियो कॉपी नहीं कीजिएगा,
और उनको वीडियो देखकर पूरा डिटेल से जान जाइए और उससे बेहतर टीम बनाने का कोशिश कीजिए। जब तक आप बेहतर टीम नहीं बनाओगे तब तक आप जीत नहीं पाओगे। देखिए साफ यहाँ लिखा है, अगर फर्स्ट रैंक आने पर 1.5 करोड़ का राशि है और 2 नंबर आने पर 35 लाख का, 3 में 10 हज़ार, 4 में 5 लाख, 5 में 2 लाख, 6 में 2 लाख और 7 से 10 में 1 लाख है, 1 लाख है जो कि ये 11 से 16 में 50 हज़ार है। पहले एक तीसरा है और आप बता देते हैं मेन बात, टीम कैसे बनाएं। यूनिक टीम यानी सबसे हटकर जब तक नहीं बनाओगे तब तक आप, बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे दोस्तों, इतना अमाउंट कमाने में आपको ज़िंदगी भर के कमाई चला जाता है फिर भी इतना अमाउंट नहीं जमा कर पाते हो। अगर आप हार हार के परेशान हो, अगर आप हार हार के परेशान हो गए हैं फिर भी खेलिए, क्योंकि हो सकता है जो जितना भी यूजर देखिए 1 करोड़ रुपया जीता है, या किसी को लक, किसी को किस्मत ऐसा है जो कि ड्री 11 खोला और 1 करोड़ जीत गया, लेकिन अधिक 50 से 70 लोगों ऐसा है जो कि ड्री 11 पर 4 साल 5 साल खेला, उनके बाद भी 1 करोड़ जीता और उनके बाद भी 1 करोड़ नहीं जीता है। यानी ये किस्मत के साथ साथ मेरे दोस्तों स्किल का भी स्किल भी काम करता है, किस्मत के साथ साथ मेरे दोस्तों स्किल भी काम करता है। इसीलिए आप अपने टीम को स्किल के साथ बनाइए और किस्मत से भरोसा ना बैठिए। अगर किस्मत के भरोसा बैठेंगे तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिलता है, जैसे ये वाला कंटेंट सबको मिलेगा, 49 रुपया, 24 रुपया लगाएं 49 रुपये मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। देखिए आप, आपको मैं ये भी बता देता हूँ, आपको 1.5 करोड़ रुपया, जो 1.5 करोड़ रुपया है उस अमाउंट को अर्न करने या जीतने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करना होगा, कड़ी से कड़ी मेहनत, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेहनत करना होगा, तभी जाकर आप जीत सकते हो। देखिए साहब आप भी जाकर कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें आप देखिए 1.7% है, यानी 1.7% लगभग आप देखिए जीतने का कम भी इसमें 1.7 ही दिया गया है मेरे दोस्तों, जो कि जब तक 1.7 है जो कि कंपटीशन काफ़ी अधिक है, 1.7 में यानी 1% से भी कम आप लाओगे तभी जाकर आप 1 करोड़ जीत पाओगे, अन्यथा नहीं। इसीलिए आपको टीम बनाने वक्त क्या ध्यान रखते हैं, चलिए मैं आपको टीम बनाकर भी बताता हूँ ये सब। देखिए मैं आपको टीम बनाकर भी बताता हूँ, देखिए अब करेक्ट पर क्लिक कीजिए, करेक्ट पर क्लिक करते हैं एक टीम एक, मैं देखिए 2-3 तरह का आपको सामने, नज़र के सामने टीम बनाकर भी बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या 1 करोड़ आप जीत सकते हो या नहीं। देखिए अब मान के चलिए ये 4 विकेट कीपर है, 7 प्लेइंग को 71% लोग लिए हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन किया है, एन नारेजन को जो 5% लिए हैं, मान के चलिए 7 प्लेइंग और MS धोनी खेलता है, आप क्या करते हो, 7 प्लेइंग को 71% लोग लिए हैं जो ये माइंड का गेम है, ये माइंड का गेम है मेरे दोस्तों, आपका दिमाग में ये सेम बिलिंग आपको दिमाग में बैठ गया, कहे कि इनको जब 71.84 यानी 72% लोग लिए हैं तो ये काफ़ी अच्छे प्रदर्शन इस मैच में करेगा, ये आपको माइंड में बैठ गया, लेकिन ये सच नहीं है कि ये अच्छे प्रदर्शन करेगा कि या 0 पर आउट होगा, ये भी रियल नहीं है।
आप कहोगे कि MS धोनी काफ़ी नीचे उतरते हैं, ये भी है। आपका सवाल है MS महेंद्र सिंह धोनी जो ये काफ़ी नीचे उतरता है, अब इसको लेने से कहोगे आपको मेरे तो घाटा ही है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको ही लीजिए, मैं ये कहता हूँ आप अपनी टीम में इन्हें जगह दीजिए एक टीम में, क्योंकि अगर आप जो 49 रुपये लगाते हो तो आप दो कॉन्ट्रैक्ट जोड़ कीजिए, एगो स्ट्रॉन्ग टीम बनाइए एगो लरम टीम बनाइए। अगर आपका किस्मत साथ दिया तो लरम टीम ज़्यादा अगर निकल जाए बैट्समैन, उनके बाद देखिए बैट्समैन में आप बैट्समैन में क्या करते हो। देखिए बैट्समैन में SIL को 86% पिक किए हैं, अब भी SIL को पिक कर लेते हैं। ऋतु राज को 82% पिक किए हैं, आप इन्हें पिक कर लीजिए। सुरेश रैना, नीतीश रैना और एंड्री राइडू जो इन दोनों खेल रहा है, इन दोनों को 47.44% से भी कम पिक किए हैं, पिक किया होगा, जो कि ये काफ़ी इसका फॉर्म खराब होता है जो अब वो पिक नहीं कर पाते हो। उसके बाद देखिए या सुरेन नारायण एल्बरेनो, देखिए मैं आपको ये बॉलर सेक्शन में देखिए ऐसे मेरे दोस्तों लगता है कि आपको समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं आपको टीम ही बना कर देता हूँ, टीम बनाकर भी बताऊँगा और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। मेरे दोस्तों जो आपका माइंड गेम बैठा है उन्हीं के आधार पर मैं ये टीम बनाता हूँ। देखिए बाद एन नीतीश रैना को ले लिया है, ए राइडू को छोड़ दिए, तीन बॉलर को बैट्समैन को लिया है। अब ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए मोहम्मद अली को ले लिया है, एंडरसन आर जे जेटा जो काफ़ी प्रदर्शन किया है, और वी एलर को दे लिए जो कि 50% लिया है, इनको ले लिए हैं। अब क्या करते हो, ये बॉलर सेक्शन में आइए, बॉलर सेक्शन में आप पी डी पर को 67%, ट्रेंट बोल्ट को ले लिए हैं। उसके बाद देखिए पॉइंट का इशू का कारण आता होगा तो आप के आसिफ को भी ले सकते हैं, मान के चलिए ये खेलता है तो के आसिफ को ले लेते हो आप ले लिए हैं, यानी आपको ये देखिए 5 के 9 सुपर सिंह और 6 कलकत्ता का टीम आपको बन चुका है। अब देखिए कैप्टन आप क्या करते हो, कैप्टन आप एस सूरज सयाल को जो 20% दिए हैं कैप्टन दे हो, और आर ऋतु राज को 11.6% दिए हैं इसे वाइस कैप्टन, या आप कैप्टन उसे देते हो या कैप्टन मोइन अली को आप दे देते हो, वाइस कैप्टन आर जे जेटा को भी दे देते हो। देखिए मेरे दोस्तों आप टीम को सेव कर देते हो, टीम सेव होने के बाद आप और जाकर कंटेंट पर ज्वाइन कर लेते हो। मेरे दोस्तों ये अगर आप इस तरह से टीम बनाओगे, देखिए इस तरह का आपका टीम का प्रव्यू हो जाता है। देखिए अगर आप इस तरह से टीम बनाओगे तो आप अर्निंग ज़्यादा 1 करोड़ जो सपना देखते हो वो सपना सपने ही रहकर मेरे दोस्तों रह जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसे इस तरह से आप टीम नहीं बनाइए, आप कैप्टन भी बनाइए, वाइस कैप्टन भी बनाइए, जो आपको दिल कहता है कि ये अच्छा प्रदर्शन करेगा उन्हीं भी बनाइए, लेकिन कम से कम अपने टीम में मैं आपको इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको अब दूसरा टीम बनाकर मैं बताता हूँ। देखिए दूसरा टीम बनाकर मैं अभी आपके सामने में बता देता हूँ, थोड़ा रिक्सी होगा मेरे दोस्तों, जो थोड़ा रिक्सी टीम होगा लेकिन इन्हीं टीम को चेंज करके बताता हूँ कि आपका यूनिक टीम, यानी यूनिक टीम कैसे बनाएं, 1 करोड़ वाला टीम कैसे बनाएं, इन्हीं टीम को मैं आपको आपके आंखों के सामने
मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मालूम है सैंपलिंग ज़्यादा नीचे उतरेगा, ये विकेट कीपर है। देखिए अब मैं इन्हीं सैंपलिंग को ड्रॉप कर देंगे, एम महेंद्र सिंह धोनी को हम लेते हैं। देखिए महेंद्र सिंह धोनी को आप मैं लिए, आपको मन में पूरा सवाल उत्पन्न हो जाता है, साला ये इस तरह से मैं टीम बनाऊंगा तो मैं हम अपने लॉस से कमाऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों सबसे पहले बात जानिए इनको मुझे बनाने का क्या मकसद है। ये मुझे बनाने का इसको मकसद है, ये अच्छा विकेट कीपर है, जो ये बैटिंग नहीं देगा तो विकेट कीपर से भी कम पॉइंट नहीं देता है मेरे दोस्तों। ये अगर एक दो कैच पकड़ लिए हैं तो 8 × 16 पॉइंट इन्हें मिल जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि इनका परसेंटेज कम है। अगर आपको कम परसेंटेज वाला 16 पॉइंट दे दिए हैं तो आपको बहुत पॉइंट आपको दे दिए हैं। इस तरह मैं आपको पहले ही बताया, थोड़ा यूनिक यानी सबसे हटकर बनाना होगा, इसे ले लिया। अब देखिए विकेट कीपर ऋतुराज को रहने दीजिए, अब मैं देखिए इन दोनों में से मैं थोड़ा यूनिक अलग बनाऊंगा। देखिए ए राइडू, मैंने SL को छोड़ दिए हैं, ए राइडू को लिए हैं, अरुण फिंस को जो काफ़ी कम लोग लिए हैं, या नीतीश राणा इनको लिए हैं, ये अच्छा बल्लेबाज है। इन दोनों SL और ऋतुराज में से किसी एक को हम पिक किए हैं। देखिए अगर बैटिंग पिच है, बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच का हिसाब से लीजिए, देखिए मैंने 3 बैट्समैन ले लिए हैं। अब आइए ऑलराउंडर सेक्शन में, मैं इसी टीम को आपको शुद्धिकरण करके और पूरा अलग टीम बनाकर आपको मैं बताता हूँ। देखिए मान के चलिए SW ये भी खेलता है, ये चेन्नई सुपर किंग अच्छा बॉलर है, जो कि इन्हें आपको 3% लोग लिए हैं, आप तो इसे ड्रॉप ही कर देते हो क्योंकि इनका परफॉर्म काफ़ी ख़राब है मेरे दोस्तों। परफॉर्म खराब एक दो मैच में होता है, जब सचिन तेंदुलकर 2000 का मैंने जनरेटर पर जाकर देखे हैं, जो सामाजिक जनरेटर चलाया था, सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट हो गया एक दिन, वीरेंद्र सहवाग 3 रन बनाकर आउट हो गया, तो हो सकता है आपका कभी कल अच्छे बैट्समैन या अच्छे बॉलर भी धोखा दे सकता है। इसीलिए मैं आपको इन सब में से पिक करूंगा SW और यहाँ देखिए अगर ये खोलेगा एम मोहम्मद खेलेगा तो इसे ले लिया, सुनील नारायण को मैं ले लिया, और इस दोनों में से रविंद्र जडेजा और मोइन अली में से किसी एक को लेना पड़ेगा, या आप चाहे तो दोनों को ले सकते। मैं थोड़ा यूनिक टीम बनाऊंगा तो इन दोनों में से किसी एक को मैं मोइन अली को ले लिए हैं, क्योंकि दोनों चेन्नई सुपर किंग का है। देखिए इन्हें ले लिए हैं आपको मैं लेने के बाद, अब आइए बॉलर सेक्शन में। बॉलर सेक्शन में देखिए उमेश यादव जो काफ़ी अच्छे बॉलर है कलकत्ता की तरफ से, इन्हें मात्र 11 पॉइंट लिए हैं, आप देखिए इन्हें 67 पॉइंट लिए डी बरो, मान के चलिए 67% पॉइंट लोग लिए हैं डी बरो के, जो 67% लोग के टीम में तो यो रहेगा आपका। इन्हें लेने के बाद आपको यूनिक टीम नहीं बनेगा, थोड़ा यूनिक बनाना है। देखिए उमेश यादव अगर आपको खेलेगा तो उमेश यादव को ले लीजिएगा, मान के चलिए ए मलिंग ये काफ़ी खतरनाक बॉलर है, इसे ले लीजिए। देखिए करण जैसा और MME भी चक्रवर्ती, ये देखा आप अगले सीजन में देखे होंगे, ये भी चक्रवर्ती जब विकेट निकालता है तो अच्छे अच्छे बैट्समैन को हवा पास कर देते हैं इन्हें। और देखिए एम ठेकंस को लिए हैं, 4 बॉलर को लिए हैं, आप कहे आपको मैं पूरा पक्का यकीन होगा ये इनको बात पर अगर टीम बनाओगे तो हारोगे, हारने का भी चांस नहीं है, हारोगे नहीं मेरे दोस्तों। अगर इस तरह से भी आपको टीम बनाओगे
तो ग्रैंड लीग का खास बात यह है कि आपको हारने नहीं देगा, मुर वापस करेगा। अगर इस तरह से आपको टीम सुधर गया तो आप अच्छे अमाउंट विन कर सकते हो या आप अच्छे अमाउंट जीत सकते हो। देखिए मैंने किने लिए हैं, आप देखिए ये है 1 करोड़ वाला टीम, एम एगन भी चक्रवर्ती और ये मतलब उमेश यादव, यानी चारों के चारों बॉलर मैंने साफ अलग कर दिए हैं। बॉलर देखिए चार को मैं ड्रिक्सी बॉलर लिए हूँ और ओलंडर भी देखिए ओलंडर में दुबे को पहुँच लिए हैं, पहुँच रिक्सी लिए हैं, ये थोड़ा सेफ है, सुनील नारायण भी सेफ है और यहाँ देखिए नीतीश राणा एस सेली पहुँच मान के चलिए 6 लिए हैं, इन पर भी भरोसा नहीं करता है, राइटों को कम लेगा लेकिन 6 लिए हैं। अब देखिए 7 मैंने 7 लिए हैं जो कि सिलेक्शन परसेंट के हिसाब से अगर मेरा इनको लिए हैं ये अगर 10 पॉइंट या 20 पॉइंट तो कैसे लिया 16 पॉइंट भी दिए तो मेरे कंपटीशन कम हो गया जो कि 40% यानी 100 में 40% ही लोग हमारे जो कंपटीशन लड़ेगा। अगर मैं इसे लिए सिम बलिंग को ये मेरे साथ कंपटीशन हो जाएगा जो कि 72% यानी 100 में मेरे साथ 72% लोग कंपटीशन करता है, आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ एस सेली को 87% मैं इसे लिए हूँ तो 87% के जो मेरा कंपटीशन हो गया। और ए राइडू को अगर आप कुछ भी करता है अच्छे परफॉर्म करता है या नहीं करता है मान के चलिए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ ये भी करेगा लेकिन ये 44% बताइए आप यहाँ सीधा 88% 87% का आसपास है, ये 44% का कंपटीशन है क्योंकि मेरे साथ 44% लड़ेगा, ये 87% वाला को ड्रॉप किए हैं एक टीम में, ये नहीं कहता हूँ कि हर टीम में नहीं एक टीम में, रिक्सी टीम जरूर होगा मेरे दोस्तों। अगर रिक्सी टीम ही सुधर गया तो समझिए आगा आपको भविष्य सवर गया, अगर रिक्सी टीम ही सुधर गया तो आपको भविष्य सवर गया। नीतीश राणा भी देखिए अच्छा बैट्समैन है सब जानते हैं जो कि इनका परफॉर्म अच्छा नहीं है जो कि 47% लोगों ने पिक किए हैं, इनको एक दो मैच लिए इनको लिए तो मेरे मान के चलिए 47 यानी 100 में लोग कंपटीशन हम लड़ रहे हैं तो मेरे कंपटीशन 47% लोग के जोर होगा यानी 47% के जोर कंपटीशन होगा, आपको समझ आ रहा है। आप देखिए ऑलराउंडर में मैंने अंट रसल को कभी कहते मोहन अली और रविंदर जडेजा, देखिए यहाँ मोहन अली को मैंने पिक किया है, मोइन अली को पिक किया है जो कि यह है 61-62% यानी 100 लोग जो पिक किया है, मैं कंपटीशन में बैठा हूँ ये मात्र 72 लोगों जो मेरा कंपटीशन करा रहा है यानी लड़ा रहा है, तो इससे अच्छा है सुनील नारायण को मैंने पिक किया, उनके बाद सुनील नारायण से पिक करूंगा, अगर 100 में कंपटीशन में भाग लिए हैं तो मैं 35% ही कंपटीशन में मेरा लड़ाई चल रहा है, 100% वाला से काफ़ी नीचे हैं। अब देखिए एस एंड्रू बे जो कि काफ़ी सबसे बेकार बॉलर है मान के चलिए, मैंने सबसे कम के लिए हैं, इसे कोई नहीं पूछता है, इसे आपको लेने में भी दिल हिचकता है कि मैं ये बॉलर अगर लगेगा तो ये नहीं किया प्रदर्शन हार जाओगे मेरे दोस्त, मेरे भी मन में सवाल उत्पन्न होता था, मैं जो तरह से टीम बनाकर विन किए उसी टीम मैं आपको देता हूँ जो कि मैं रियल टीम बताता हूँ फेक नहीं, ये नहीं कहता हूँ कि मैं जीता लेकिन मेरे अंदर जीतने का हौसला अभी भी ऊँचाई है, लेकिन ये जो कहता है कि रुपया नहीं मिलते हैं मेरे दोस्तों 5 मिनट में ही रुपया आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, 5 मिनट से कम ही 5 मिनट नहीं लगता है, चाहे दिए वेरीफाई किए 2 मिनट के अंदर आपको अंदर 30 सेकेंड मैसेज आने में आपको 5 मिनट लग सकता है लेकिन 2 मिनट के अंदर आपको रुपया ट्रांसफ़र कर देता है।
देखिए ये एस दुबे को मैं लिया हूँ, अगर ये दो एक विकेट ले लिया तो समझ जाइए आप 100 में मुझे 3% आदमी के जोर कंपटीशन लड़ना होगा मेरे दोस्तों। 100% आदमी को छोड़कर मुझे 3% लोगों के जोर ही कंपटीशन लड़ना होगा। अब बारी बारी मैं अब बॉलर में आइए, बॉलर में भी मैं बहुत रिक्सी लिया हूँ, अच्छे अच्छे बॉलर को बैठा दिए हैं। आपको ये बॉलर में भी सवाल उत्पन्न होता है कि पूरा के पूरा अलग टीम बनाया, पूरा के पूरा रिक्स ही ले लिए हैं, ये निश्चित हराएगा मेरे आपको माइंड मिनी आपको दिमाग माइंड सेट हो गया है कि मैं हार जाऊंगा अंदर से ई कर हार जाऊंगा। मैंने दोस्तों अगर आप हारने का डर है तो आप खेलना छोड़ दो मेरे दोस्तों, ये बात थोड़ा करवे आपको जरूर लगेगा, लेकिन अगर इस तरह से टीम बनाओगे तो आप कभी न कभी एक जीएल जरूर विन करोगे मेरे दोस्तों। मेरे कभी 1500 कभी यानी ज़्यादा तो मैं विन नहीं किया हूँ, मैं भी बड़े अमाउंट विन नहीं किया हूँ, मैंने सिर्फ 10 स्थान पर 1 करोड़ में आया हूँ, जो 50 रुपया का अमाउंट 50,000 का अमाउंट था वो सिर्फ आया है। उसके बाद देखिए उमेश यादव, ये उमेश यादव का पिछला रिकॉर्ड देखिएगा, ये काफ़ी इंग्लैंड जाकर धावा भूल गया, जब देखिए धावा भूल सकता है, अगर हो सकता है इंग्लैंड वाला प्रदर्शन इन्हें अभी भी आ जाए, इंग्लैंड वाला जोश अभी भी इनके अंदर आ जाए तब तो आपको एक तरफा बिन करा कर दे देता। ए मलिन ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर है जो इन्हें भी लिए हैं, और इन्हें भी 100 में 18% आप 100 में 80% टीम को आप पीछे छोड़कर मात्र आपको लड़ाई 18% लोगों के ही पास रहेगा। अब वीर चक्रवर्ती को देखिए, वीर चक्रवर्ती को भी 30.8% को लिया है, ये भी आपको इसके भी मात्र 100 से लड़ रहे हो तो 30 आदमी के जोर आपका कंपटीशन रहेगा। एम महेंद्र किशन ये भी इन्हें 5.6 यानी आपको 97, 100 में लड़ रहे हैं तो आप 97 अगर एक भी विकेट लिए हैं तो 97 आदमी को आप पीछे छोड़कर मात्र 6 आदमी के साथ आपको कंपटीशन चालू रहेंगे। ये सब आपको समझ गए हैं। अब देखिए थोड़ा कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बहुत भूमिका निभाता है। देखिए अब इन्हें SLE को लिए हैं जो कि इन्हें 20% कैप्टन दिए हैं, मोइन अली को लिए हैं क्योंकि आपको ग्रैंड लीग करना है तो कैप्टन भी और वाइस कैप्टन में भी बदलाव करना होगा मेरे दोस्तों। ये नहीं कहते हैं कि पूरा बदलाव करो लेकिन कुछ नहीं कुछ जरूर। देखिए SLE मोहम्मद अली आपको कैप्टन के लिए अच्छे पीक है, हो सकता है A2 वाइस कैप्टन A2 अगर अच्छा चल जाए। ये कैसा देखिए अगर आप कैप्टन सेफ रखते हैं तो वाइस कैप्टन रिक्सी ले लो मेरे दोस्तों, अगर आप कैप्टन सेफ रखते हैं तो वाइस कैप्टन रिक्सी ले लो। SLE को कप्तान आप दिए हैं तो वाइस कैप्टन S2 को भी देना थोड़ा रिक्स, या सूर्य नारायण को भी दे सकते हैं क्योंकि बॉलर भी अच्छा ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी अच्छा करता है, बैट्समैन भी अच्छा है, इन्हें भी दे सकते हो आप। देखिए हो सकता है आप अपने टीम में कैप्टन मोइन अली को दिए हैं तो वाइस कैप्टन A2 को भी दे सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा बैट्समैन है आपको। अब देखिए आपको सेफ टीम कर दीजिए, उसके बाद देखिए आपका टीम का परव्यू इस तरह से रहेगा आपको। अब देखिए आपको टीम 1 करोड़ वाला टीम का परव्यू इस तरह से रहा। अब देखिए अगर चल गया तो अब चल गया, और नहीं चला तो आपको मिनी लॉस कवर हो जाएगा, यही दो चीज़ होता है क्योंकि इस टीम में 1.7% के ही जीतने का चांस होता है जो कि काफ़ी कम है। इस तरह से अगर टीम बनाओगे
अगर तब जाकर आप 1 करोड़ रुपया जीत जाओगे। अगर आपको जो भी जीता है इसी तरह से, मैं भी जीता हूँ इसी तरह से, ट्विटर में 44 पॉइंट ना होने के कारण मेरे 1 वॉलंटियर नहीं चलने के, वो 0 पॉइंट दिया है। अगर 1 भी विकेट निकाल लेता तो मैं फिर भी 5 लाख का अमाउंट विन कर सक जाता, लेकिन नहीं किया हूँ मेरे दोस्तों, क्योंकि सच बोलना जो मैंने किया हूँ वो भी बता दिया हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो भी बता दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, ताकि हो सकता है उन्हें आईपीएल में भी थोड़ा अच्छा किस्मत साथ दे, अच्छा अमाउंट विन कर सकता। जय हिंद दोस्तों।